एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हो आप और आ, मुझे तो आप सभी जानते ही होंगे तो मैं हूँ काव्या और आज जो है ना आ, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं और देखिए मेरी इतनी हालत खराब है आज एक मिनट में अपना ट्राईपोर्ड सेट कर लूँ पहले तो मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और मेरे ये वाले स्टाइल करी है तो मुझे बताइएगा जरूर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है <laughs> तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था कि आप ना अलग अलग काइंड kind ऑफ of की हेयर स्टाइल करके फिर वीडियो में आइएगा तो मैंने सोचा चलो यार कर लेते हैं तो मैंने ये वाले हेयर स्टाइल वेयर करी है आज तो आज मेरे घर ना बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है मेरा जो गैस सिलेंडर है वो खत्म हो चुका है और आ, वो खत्म हो गया उससे कोई नहीं बट मेरे घर ना मेहमान आ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ मैं और अरे तो है ना जा तो, तो मेहमान तो आने वाले हैं और ऊपर से गैस भी खत्म हो गया तो चलो मेहमान कौन आने वाला है वो आगे आपको पता चल जाएगा तो ये है हैंकी और मेरे पास एक ही हैंकी है आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा एक मतलब एक और है टॉवल हैंकी जो बोलते हैं वो वाला और ये कॉटन वाला तो बस दो तीन ही हैंकी है मेरे पास मेरा ना मार्केट जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है इस वजह से तो ये हैंकी को मैं कर लूँगी आज तक और कमर पे टक करेंगे आज आज ऐसे ओपन ही रहने देते हैं टक ये देखिए टक कर लिया है मैंने और आज ना हमने चाय भी नहीं पी थी तो मैंने क्या करा मेरे देवरानी के घर पर मैंने पतीली में सब कुछ मतलब डाल के और फिर उसके पास दे दिया उसने मुझे उबाल के दे दिया प्रिया ने और फिर मैंने जो है चाय पी ली तो अभी तो बहुत टाइम हो चुका है आप देख ही सकते हो घड़ी में कितने बजे हैं तो मैंने सिर्फ क्लीनिंग का काम किया है सब कुछ क्लीनिंग मेरा हो चुका है बट ना खाना वगैरह बनाना बाकी है और आज मंडे है तो मंडे के दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं हम तो देखेंगे अभी क्या बनता है क्या नहीं और मैं सिलेंडर की जो गाड़ी आती है उसका वेट कर रही हूँ तो आप बताइएगा ये हेयर स्टाइल मुझे सूट कर रही है या नहीं और मैं तो थोड़ी देर रहने देने वाली हूँ क्योंकि मुझे आ, मतलब हेयर हेयर स्टाइल में मैं काम नहीं कर सकती ना इस वजह से तो अभी मैं झूड़ा बना लूँगी थोड़े टाइम से तो चलिए फिर अभी आगे बात करेंगे मैं खुशी के हेयर कॉम कर दूँ पहले चलिए तो यहाँ पर ना खुशी को मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि बेटा मैं आपके हेयर कॉम करके देती हूँ बट उसने नहीं सुना तो वो अपने आप से ही हेयर जो है ना आ, बनाने लग गई और ये देखिए पब बना रही थी वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है वो यहाँ पर हमारी दिया बाती क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है आप देख सकते हो हमारा मनी की क्या हालत है भाई मनी ये वाला हमारा और यहाँ पर भी लगा दिया है हमने तो खुशी जो है अपनी हेयर स्टाइल बना रही है और ख़ुशी अपने आप से हेयर कॉम कर लेती है और मेरा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है अभी मैं जो है खाना वगैरह बनाऊँगी बट गैस नहीं है तो कैसे बनाऊँगी यार रंगोली जो है आज खुशी ने निकाली है ये देखिए तो ये मैंने निकाल लिया है पासबुक सॉरी गैस का कार्ड और ये पैसे और अभी मैं निकाल रही हूँ सिलेंडर जो कि किचन के नीचे रखा हुआ है यहाँ पर तो अभी मैं निकाल लेती हूँ आता तो आ, गाड़ी वाला ही रन तो क्या कर कशा सा जाते खुशी तू मूर्ख है का तो हमारा गैस सिलेंडर जो है ख़त्म हो चुका है ना इस वजह से मैंने जो है बाहर निकाल के रख दिया है क्योंकि हमने वो जो गाड़ी वाले भैया है उनको फ़ोन लगाया था गैस वाले भैया तो उन्होंने बोल दिया कि दस मिनट में आ जाएंगे तो मैं सिलेंडर बाहर निकाल के रख देती हूँ ताकि वो भैया जब आए तो जल्दी से मैं भर सकूँ और मैंने जो है ना मेरे हबी को भी कॉल लगा दिया है तो वो भी अभी आने ही वाले हैं सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए गए हैं मार्केट में तो मैंने रख दिया है बाहर सिलेंडर और मैं जो है अभी थोड़ा ये अपना जो किचन का काम है वो कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पर अपने रैक पर ना बर्तन सेट कर लूँगी क्योंकि रात के जो बर्तन होते हैं उनको मतलब मैं पानी पूरा निकलने के बाद ही अपने रैक पर सेट करती हूँ और मुझे ना ये बर्तन के पूरे बर्तन मतलब क्लीन करने के लिए निकालना था आज बट देखेंगे दो तीन दिन में निकाल लेंगे क्योंकि आज हमारे घर तो गेस्ट आने वाले हैं तो पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना इतना सारा तो देखेंगे अभी कल या तो परसों के दिन मैं इस रैक के बर्तन जो है ना निकाल लूँगी और आज खाने में नॉनवेज बनाना था बट आज मेरा फास्ट है और सोमवार के दिन हमारे घर में चलता नहीं है तो इस वजह से देखेंगे अभी कुछ डिसाइड तो नहीं किया है अभी देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं तो यहाँ पर ना पानी गिर गया था तो मैं उसे पहुँच रही थी एक कपड़े से तो आप देख ही सकते हो और आज हमारे घर कौन गेस्ट आने वाला है वो आपको मतलब आगे वीडियो में पता ही चल जाएगा तो अभी तक सिलेंडर की गाड़ी नहीं आई है तो चलिए तब तक मैं ना दूसरी बाकी की जो मेरी तैयारी है वो कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने पाँच छः रोटियों का डो बनाने के लिए थोड़ा सा आटा निकाल लिया है क्योंकि मैं बाजरे की रोटी भी बनाने वाली हूँ तो जो बाकी के बच्चे हैं ना वो उनको मतलब बाजरे की रोटी अच्छी नहीं लगती है तो उनकी वजह से उनके लिए मैं जो है ये थोड़ा सा रोटियों का डो लगा रही थी और गैस के बिना तो मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है तो अभी टाइम ना तकरीबन सवा ग्यारह या साढ़े ग्यारह का ग्यारह के आसपास मतलब टाइम तो हो ही चुका होगा फिर भी गाड़ी जो है नहीं आई और हम बार बार उनको कॉल कर रहे थे और वो बार बार वही बता रहे थे कि पाँच मिनट में आते हैं पाँच मिनट में आते हैं तो गैस के बिना तो सब कुछ मतलब अधूरा है अगर गैस ना होना तो हमें खाना भी ना मिले तो क्या करें अभी मैं जो हमारा चूल्हा आता है ना उसे ही मैं ये करने वाली थी यूज़ करने वाली थी बट वो जो सिलेंडर वाले भैया हैं वो बार बार बोल रहे थे कि हम पाँच मिनट में आ रहे हैं ये हम यहीं पर है यहीं पर है और ऐसे मतलब बोलते हैं तो हमें भी लगता है नहीं भाई आ जाएंगे तो अच्छा होगा क्योंकि हमें चूल्हे की इतनी आदत नहीं होती है हर रोज़ हम आ, सिलेंडर पर मतलब कि आ, गैस पर बनाते हैं ना तो इस वजह से और मेरे हॉबी भी आ चुके हैं मार्केट से तो यहाँ पर उन्होंने लाए हैं सूखा नारियल क्योंकि हमारा जो सूखा नारियल है ना वो ख़त्म हो गया था और सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ नहीं लाए हैं क्योंकि मैंने ही नहीं बोल दिया था Uh, फ्रिज में ऑलरेडी मतलब पड़ी हुई है तो यहाँ पर उन्होंने मुल्ली लाए हैं और uh, ककड़ी आती है कु uh, कुकुम्बर तो वो लाए हैं तो मैं इनको ना अच्छे से वॉश कर लूँगी तो ये देखिए मैं इसका जो ये uh, पत्ते आते हैं ना पीछे के वो निकाल लूँगी उनको निकाल के और फिर अच्छे से uh, इसको वॉश कर लूँगी पानी में आप देख ही सकते हो तो मुझे ना काकड़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और काकड़ी इन दिन में इन दिनों में खाना नहीं चाहिए क्योंकि विंटर का समय है और इस सीज़न में ना काकड़ी खाने से सर्दी होती है कोल्ड हो जाता है इस वजह से तो आज उन्होंने लेके आए हैं तो कोई बात नहीं लाए हैं तो खाना ही पड़ेगा और ये जो पत्ते निकले हैं ना इनकी भी सब्ज़ी बनती है बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पर मैंने वॉश करके रख दिए हैं और ये देखिए ये सिलेंडर वाले भैया जो है ना उनकी गाड़ी आ चुकी है और अच्छा हुआ मेरे अभी भी आ चुके थे तो मुझे नहीं जा और कोई नहीं हमारे घर के पास ही आ जाती है मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत तो होती नहीं है बट सिलेंडर मतलब पकड़ना अ, बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है तो एक लेडी के लिए थोड़ा सा अ, मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है ना तो अच्छा हो गया ये आ गए और अ, उनके मतलब वर्कर होते हैं वो आते हैं घर पर सिलेंडर लेने अगर किसी लेडी के घर अगर कोई ना हो ना मतलब कि उनके हबी वगैरह या तो जेंट्स में कोई ना हो तो वो आते हैं और घर से अपना सिलेंडर ले जाते हैं और घर पे भी लाके दे देते हैं बट ये आ चुके थे तो मैंने इनको ही बोल दिया था और ये देखिए बाहुबली के जैसे सिलेंडर लेके आ रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी उन पर क्योंकि उन्होंने ऊपर पकड़ा हुआ था सिलेंडर तो ये देखिए यहाँ पर उन्होंने रख दिया है तो अभी इनको मैं लगाने के लिए बोल दूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है मैंने अब तक ना खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है तो मैं ये जो मेरा पुराना वाला सिलेंडर है ना उसे निकाल लूँगी तो आ, हमारे घर पर ना तीन सिलेंडर है एक तो मुझे मोदी जी की ओर से जो महिलाओं के लिए आ, मिलता है ना वो वाला मिला था और एक हमारे जो मतलब रेगुलर वाला था तो वो हमारे दो है ऐसे हमारे तीन सिलेंडर है बट uh, हमने ना मतलब गैस भरवाया नहीं था और मैं गांव चली गई थी तो उस uh, मतलब मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने सिलेंडर कब भरवाया था तो इस वजह से नहीं तो हम ना पहले ही भर के रख देते हैं तो मैं यहाँ पर बाहर ले जा रही थी uh, अपना जो सिलेंडर है खाली उसे और uh, यहाँ पर मेरे हबी को मैंने बोल दिया क्योंकि मुझे वो जो रेगुलेटर है होता है ना वो लगाते नहीं आता है तो मैंने उनको बोल दिया कि आप लगा दो और इन्होंने भी सुन लिया और लगाने के लिए बैठ गए थे और मुझे अभी ये लगाने के बाद ना तुरंत मैं जो है खाना बना लूँगी क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और अगर गेस्ट आ गए तो उनमें मतलब हम गप्पे लड़ाने बैठ जाते हैं तो खाना बनाएगा कौन इस वजह से मैं जो है तुरंत ही आ, खाना बनाने के लिए आ गई थी किचन में तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक पतीली रख दी है और आप लोगों के साथ में ना हमारे जो महाराष्ट्र की फ़ेमस रेसिपी है इसे पाटोड़ी रस्सा बोलते हैं या तो फिर पाटोड़ी की सब्जी बोलते हैं तो आपके वहाँ पर अगर बनती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिएगा कि आप लोग मतलब इसे क्या बोलते हो तो हर एक कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज होती है अलग अलग रेसिपीज़ के नाम होते हैं तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं तो मैंने ना ऑयल डाल दिया है और ऑयल में मैंने आ, तीन प्रकार के आटा डाला है मैंने मतलब यहाँ पर बाजरी का आटा थोड़ा सा गेहूँ का आटा और थोड़ा सा जो है ना हमारा बेसन का आटा है वो तो थोड़ा सा इससे मतलब क्या हो, होगा कि अपनी जो सब्जी है सब्जी की जो ग्रेवी होती है ना वो बहुत ही मस्त ठीक आती है और ये मसाला तो ये गरम मसाला इसे हम ना आ, मतलब काला मसाला बोलते हैं तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ स्पेशल वीडियो है इसके ऊपर तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से जब तक तेल ना छूटे ना तब तक हमें तेल में अच्छे से चलाना है आप देखिए तेल छूटने की तैयारी हो चुकी है तो तेल जब तक हमारा मसाले से छूट ना जाए तब तक हमें अच्छे से चलाना है और बाजरे की रोटी डालूंगी तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि बाजरे की रोटी का भी मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है तो ये देखिए यहाँ पर तेल छूटने लग गया है ना आप देख ही सकते हो और बहुत सिंपल और बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली सब्जी है ये तो यहाँ पर आप देखिए तेल अच्छी तरह से छूट चुका है और आ, मैं ना बार बार चला रही थी क्योंकि ये नीचे चिपके ना इसमें हम आटा डाल देते हैं ना इस वजह से और ये अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मसाला फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और मिक्सी में जो हमने मसाला बनाया था ना उसे भी वॉश करके इसमें डाल देंगे ताकि उसके अंदर का मसाला पूरी तरह से आ जाए तो इसमें हमारे हिसाब से हमें पानी डाल देना है और फिर इसे अच्छे से उबाल आने के बाद अच्छे से उबलने के बाद इसमें न, नमक वगैरह डालेंगे हम तो मैंने नमक डाल दिया है और इसके अंदर डालने के लिए जो पाटोड़ी बनाते हैं ना तो उसका डो लगा लेंगे यहाँ पर मैंने लिया है बेसन का आटा उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते हैं इसमें और इसमें मैं क्रश करके डालूँगी अजवाइन तो अजवाइन डाल दी है थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे ना पानी डाल के अच्छे से कड़क वाला डो बना के रेडी कर लेंगे तो आप देख सकते हो मैंने सारा इंग्रेडिएंट्स डाल दिया है और पानी से अभी मैं इसका एक अच्छा सा गोला मतलब टाइट वाला गोला बनाना है हमें ज़्यादा नरम नहीं बनाना है जिस काइंड ऑफ सा हम काइंड ऑफ से हम रोटियाँ का डो लगाते हैं ना उसी तरह से तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया है और अभी मैं ना इसको इसी पार्त पे बेलने वाली हूँ इसको मैं उल्टा कर लूँगी और उस पर थोड़ा सा तेल लगा के अच्छे से बड़ी रोटी बना लूँगी तो ये देखिए तेल लगा लिया है मैंने यहाँ पर परात पर तो मैं यहाँ पर अच्छे से एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी और बहुत ही इजी होती है ये रोटी बेलना भी और हम जिस काइंड ऑफ से रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से हमें रोटी के सेप में बेल लेना है बड़ी सी रोटी और ये पटले पर भी कर सकते हो बट इसमें ना एक ही बारी में हो जाएगा पटले पे हमें दो बारी करना पड़ता क्योंकि ये बड़ी बड़ा गोला है इस वजह से तो मैंने यहाँ पर बना ली है बड़ी रोटी और इसको अभी मैं कट कर लूँगी छुरी से आप देख ही सकते हो तो अच्छे से हमें कट करना है छोटे छोटे पीसेस करने हैं आप तो मतलब स्क्वायर शेप में भी कर सकते हो या तो फिर ट्रायंगल शेप में भी कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं सारे और इनको एक एक उठा कर ना हमें वो जो हमने ग्रेवी रेडी करी हुई है उसमें डाल देना है तो यहाँ पर है हमारी सब्जी आपको दिखाते हैं ये देखिए तो ये ना अच्छे से उबलने के बाद ही हमें इसके अंदर ऐड करना होता है तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये वाली सब्ज़ी और इसको ना ये डालने के बाद हमें 20 से 25 मिनट तक उबलने देना है अच्छे से पकने देना है ताकि ये जो हमारा बेसन के ये जो हमने चकलिया बनाए हैं पाटोड़ी बोलते हैं हम तो ये अच्छे से मतलब ये हो जाए अच्छे से बॉयल हो जाते हैं ये अच्छी तरह से मतलब बीस से पच्चीस मिनट तो हमें रहने ही देना है और यहाँ पर हमारे घर जो गेस्ट आने वाले थे तो उनकी गाड़ी भी आ चुकी है आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर लिया था और uh, हमारे घर के पास ही उन्होंने ला के खड़ी करी है गाड़ी आप देख ही सकते हो अभी रोड बन गया है ना तो ऊपर आ जाती है नहीं तो नीचे ही गाड़ियाँ जो है ना नीचे ही खड़ी रहती थी तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हबी बोल रहे थे कि इधर uh, मतलब एक साइड में लगा दो तो यहाँ पर एक डोर से निकली है गोलू जिसका नाम है श्वेता तो उसे मैं प्यार से गोलू बुलाती हूँ ये देखिए हाय कर रही है मुझे और उसके बाद जो है ये निकला लक्की तो लक्की को आप जानते ही हो और इनको भी जानते ही हो तो ये है मेरी बहनें तो यही है आज के गेस्ट हमारे और ये देखिए ये है हमारी मेन हीरोइन चुन्नू तो इसका नाम शिवानी है ये देखिए ये भी हाई कर रही है और उसके बाद ना मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी जो है लो हो चुकी थी फिर डायरेक्ट मैंने खाने के टाइम में शूट कर लिया था तो चलिए आइए आप लोग भी खाने के लिए और आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय